तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर बास और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने गूगल एडसेंस के और यूट्यूब के टैक्स फॉर्म को किस तरह सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी इसके लिए और किस तरह आप उसको अप्रूव कर सकते हैं मोबाइल के जरिए। बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाई हुई है लेकिन वो पीसी पे बता रहे हैं, मैं आपको मोबाइल पर बताऊँगा कि किस तरह इसको फिल करते हैं, आपके सामने फिल करूँगा स्टेप बाय स्टेप और आपने भी इसी तरह फिल करना है। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए आप। अगर आप YT स्टूडियो खोलोगे तो उसके सामने भी आपको यही शो होगा कि आप अपना सबमिट टैक्स फॉर्म करें, और गूगल एडसेंस खोलेंगे तो यहाँ पर भी आएगा मैनेज टैक्स इन्फो। तो आपने करना क्या है, आपने इसको डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना है गूगल के रूम ओपन करने के बाद। और डेस्कटॉप मोड पर ओपन करने के बाद आपने जहाँ मैनेज टैक्स इन्फो लिखा हुआ है उसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका ID पासवर्ड, तो यहाँ पर आपने फिर से एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा, इस पर पहले आपने इंडिविजुअल कर देना है, दूसरे पे नो कर देना है और तीसरे पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो दूसरे पे पूछ रहा है कि आप अमेरिका के सिटीज़न हो, आपने नो कर दें। पहले पे आपसे पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल यूज़ कर रहे हो ना चैनल ये, तो ओके। उसके बाद अगले पेज पे आएंगे, यहाँ पर नेम ऑफ इंडिविजुअल आ जाएगा, आपका जो नाम जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है। तीसरा जो आपका कंट्री पूछ रहा है, कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फॉरन TIN, इस पर आपने अपना ID कार्ड लिखना है। निचला जो है ऑप्शनल है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट करने के बाद जो भी जो एड्रेसेस वगैरह आपसे पूछ रहा है, सिटी टाउन और पोस्टल कोड नीचे पूछ रहा है, ये आपने जो आपने गूगल पिन रिसीव करनी थी की थी उस पर जो डेटा लिखा था वही सारा डेटा आपने फिर से एंटर कर देना है इधर। और एक एक चीज़ आपने एक्यूरेट करनी है, देख लेनी है आपने, कोई गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर मैं अपना डेटा लिख देता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो आप सारा अपना इन्फॉर्मेशन देने के बाद नीचे जो आएगा ना स्पेशल रेट एंड कंडीशन, तो यहाँ पर आपने Article 3 एंड पैराग्राफ थ्रू कर देना है। इस पर दूसरी साइड पे 0% कर देना है, नीचे टिक करना है। उसके बाद मोशन पिक्चर्स एंड TV आ गया, इस पर भी आपने क्लिक करने के बाद नो ट्रीटी और 0% कर देना है, या 30% एंड नो ट्रीटी आया हुआ है। ओके, जो जो आपके नीचे यहाँ लिखा आ रहा है ना आपने टिक कर देना है और साथ साथ पढ़ लेना है उसको। मैंने पढ़ लिया एक बार, फिर उसके बाद मैं टिक कर रहा हूँ। यहाँ पर भी Article 3 एंड Paragraph 1 के बाद 0% कर देना है, टिक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है उसके बाद। ओके, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो जो आपने फिल किया है एक पेपर के हिसाब से आपके सामने आ जाएगा। तो ये सारी आपकी डिटेल्स आ गई हैं, आपने एक एक डिटेल को पढ़ लेना है। साइड पे एक पेपर बनाएगा, उसको आपने क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल में आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, वो आप बाद में भी देख सकते हैं। इसके बाद आपने एक एक आपकी डिटेल आपने देख लेनी है सारी, कुछ भी गलती हो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देंगे। आपके सामने मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ अपना। नेक्स्ट करने के बाद आपके फिर से नाम पूछ रहा है, आपने जो ID कार्ड पे आपका नाम है वो लिख देना है, कैसर अब्बास मेरा नाम है, मैं ये लिख देता हूँ फिर से। उसके बाद नीचे फिर से पूछ रहे हैं कि आप, वो पूछ रहे हैं कि आप वही पर्सन है जो ऊपर जिसका नाम लिखा है या सिग्नेचर है, तो यहाँ आपने यस कर देना है। ओके, यस यहाँ पर हम करते हैं, देन हम करेंगे नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट करने के बाद फिर से पूछा है कि आप US में रहते हो कि नहीं, यहाँ हमने नो कर देना है। उसके बाद नीचे पूछ रहा है स्टेटस चेंज्ड, तो ये नीचे ये पूछ रहा है कि आप पहले अपनी पेमेंट निकलवा चुके हैं या फर्स्ट टाइम पेमेंट निकाल रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम पेमेंट निकाल रहे हैं वो पहले ऑप्शन को क्लिक करें, और जो पहले गूगल एडसेंस से पेमेंट निकाल चुका है तो वो दूसरे ऑप्शन को क्लिक करें। तो मैंने पहले गूगल एडसेंस से पेमेंट निकलवा ली है तो मैं अब दूसरे ऑप्शन को क्लिक करूँगा। ओके, दूसरे ऑप्शन को क्लिक करते हैं, उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। और आपके सामने आ गया कि आपकी जो सबमिट आपने फॉर्म किया था वो अप्रूव्ड हो गया है। ये आपके सामने सब कुछ हो जाएगा, आपको उसी टाइम जीमेल पे एक मैसेज आ जाएगी, मेल आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो गूगल ने हमारा टैक्स जो है अप्रूव कर दिया है और हमें अब कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको फॉर्म को फिल ना करते तो अगले मंथ को 30% मेरा जो पेमेंट थी वो काट लेते। तो आप फॉर्म फिल कर दें, पाकिस्तान में रहते हैं जो इंडिया में रहते हैं, आप फॉर्म फिल कर दें, इंशाल्लाह आपका टैक्स नहीं काटा जाएगा। और एक और बात, अगर किसी ने गलत फॉर्म फिल कर दिया तो फिर से इसी तरह सेटिंग में जाए, यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि नया फॉर्म फिल करो।
और इस तरह पिछला जो आपका डेटा होगा डिलीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कुछ भी पूछना है, सवाल आता है तो कमेंट करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।